किधर से? सूरज निकलने का टाइम है बट लेकिन अभी तक निकला नहीं है, क्लाउड काफ़ी ज़्यादा है, इस तरफ भी काफ़ी क्लाउड है, तो मोस्टली आज के दिन भी हमको बारिश मिलने वाली है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। अच्छी नींद आई, मस्त ठंडी थी रात को, ठंडी शुरू हो गई है, अब लगता है मेरे को थर्मल लाइनर भी वगैरह भी प्रॉपर डालना पड़ेगा, और ये बारिश को देख करके थोड़ा सा और लग रहा है कि एक्चुअली मैं सही मिलूँ, क्योंकि काफ़ी घना बादल है। तो आज अपना प्लान है यहाँ से निकलने का, निकल के जाने का, पहुँचने का है लेह। लेह में स्टे करेंगे आज के दिन, कल के दिन मोस्टली भी स्टे करेंगे लेह में, परमिट वगैरह लेंगे, लोकल लेह घूमेंगे और उसके बाद नुब्रा जाने की कोशिश करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हरीश, कैसी रही रात? रात अच्छी गई भाई, नींद आई अच्छे से? मस्त, ठंडा लगा था अच्छा खासा रात हमारे। और ये देखो, ये प्रॉपर्टी में बोला था दिखाने के लिए, ये प्रॉपर्टी पूरी ऐसी है, मस्त है। इसके पीछे भी काफी ज्यादा रूम्स वगैरह रखे हैं उधर, और मेन अट्रैक्शन क्या है, ये पूरा फील्ड है इनका, ये किस चीज की खेती है, गेहूं या ज्वारी की पता नहीं, ये उसका खेती है, पत्ता गोभी सेम, आगे यहाँ पे मटर की खेती भी किया हुआ है लोगों ने, आलू भी है ना हरीश? आलू और मटर, चलो मटर दिखाता हूँ आपको, फ्रेश खा के बताते हैं, फ्रेश मटर तोड़ के खाते खेत से। मस्त मीठा है, ज्यादा नहीं तोड़ना, नहीं तो लो सब्जी में घाय डालेंगे। मौसम एकदम खुला हुआ है फिलहाल में, तैयारी हो गई है पूरी भाई, बज रहे हैं 8:45, शैल वी, चलो चलते हैं। हाय पांडा, चले? यस 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 यस, चलो चलो चलो, हमको मिलना है टाइग्रेस को। ओके सर, लेट्स स्टार्ट। अब हम आज हम इंटर करते हैं कैपिटल। अरे छोटू, काफी ज्यादा स्लोप है। ओहो हो, पूरी डंप यार्ड कार ट्रक सब खड़ी है, टूटी फूटी। बाय बाय करगिल, फिर मिलेंगे किसी न किसी वर्ष। सी बेसिकली लद्दाख एक ड्राई डेजर्ट एरिया है, ये जो माउंटेन पीक्स बने हुए हैं हिमालयन रेंज और काराकोरम रेंज के, पूरा लद्दाख जो है हिमालयन रेंज और काराकोरम रेंज के बीच का एक लोकेशन में है। इंदस रिवर और श्योक रिवर, ये दो मेन रिवर है जो पूरे लद्दाख को कवर करते हैं। आई गेस कल हमने जो रिवर देखा था बगल में, वो इंदस रिवर थी जो कि हमको आगे लेह तक मिलती चलती चली जाएगी, आगे हमको मिलेगी पूरी साथ में। तो ये जो पूरी माउंटेन रेंज है, पिछले 45 मिलियन ईयर्स के जो इंडियन प्लेट है उसके ऊपर है, बाकी विथ कांस्टेंट जो हवा विंड वगैरह ब्लो होती है, मूवमेंट जो रहते हैं प्लेटोनिक, उसके कारण पूरा इरोड वगैरह हो करके शेप वगैरह में हरीश इरोड वगैरह हो करके शेप वगैरह ली है। एंड बेसिकली बिकॉज ऑफ द ड्राई दिस थिंग, ये यहाँ पर आपको कहीं भी हरियाली जल्दी नहीं मिलेगी, कुछ एक ही जगह पर मिलेगी हरियाली, जैसे कल हमने देखा जब हम कारगिल इंटर किए थे तो वहाँ पर हरियाली दिखनी शुरू हुई थी, आपको पहाड़ों पर पेड़ दिखेंगे, खेती दिखेगी, वो उतना दिखेगा, बट लेकिन सब जगह आपको ऐसा नहीं मिलेगा। लेह में कुछ जगह पर दिखेगा, यहाँ पे कारगिल में दिखा है, इवन फिर आगे जब हम जाएंगे नुब्रा वैली में, नुब्रा वैली में कुछ एक जगह पर है वो भी,
प्लेन एकदम कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, बट क्या है ये बॉर्डर रेंज है इंडिया का, तो हमारी आर्मी लगी रहती है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कांस्टेंट। पिछले जो हम कारगिल देखे थे जहां हम रुके थे वो पीक के पीछे ही, पीछे साइड पर ही पाकिस्तान रेंज शुरू हो जाता है, पाकिस्तान शुरू हो जाता है। तो जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो वो लोग वहां से फायरिंग वगैरह करके अपने कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। तो जैसा हमने कल जोजिला पास किया, तो जोजिला का भी कैसा है, 1948 में जब इंडो पाक वॉर हुआ था तो पाकिस्तान आर्मी ने जोजिला को कैप्चर कर लिया था उस टाइम पर। तो कौन अपनी इंडियन आर्मी ने पूरा जोर शोर लगा करके, बिकॉज क्या है वो एक मेन मूवमेंट है ये रेंज में और वो रेंज में, मतलब श्रीनगर से लेकर के लद्दाख के रेंज में वही एक रास्ता है, वही एक मेन ये है। तो अगर वही कैप्चर कर लिया गया तो हमारा इंडिया का पूरा कंट्रोल सिस्टम में डिफ़िकल्टी आ गई होगी। बट एनी हाउ हमारे जवानों ने फाइट किया, उसको रिकैप्चर किया एंड देखो बच्चे हमेशा फाई फाई देने के लिए तैयार रहते हैं। ये नाश्ता काफ़ी ज़्यादा हैवी किया, अच्छा है जानबूझकर, पूरी सब्जी थी, ओहो पूरी सब्जी और ठंडी, डेडली कॉम्बिनेशन, दबा करके पूरी सब्जी खाया है जिससे कि जल्दी भूख न लगे और हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँचते रहे। ऑलमोस्ट मून लैंड भी शुरू हो गया है। मून लैंड बेसिकली आई गेस लामा यूरू के यहाँ से मेजर ये होता है, लेकिन अभी भी ये माउंटेन्स पीक दिख रहे हैं अपने को एकदम फ्लैट डेजर्टेड, और बीच पे से ये वादियाँ जाते हुए, ओह सुपर सुपर भाई, दिल खुश हो गया सुबह सुबह। ये यहाँ का रूटीन है, ये पूरा पत्थर नीचे आता है, ये वर्कर आते हैं रोज़ सुबह, देखते हैं कौन से रोड पर, इसको उठा उठा करके या तो वापस उस पर डाल देते हैं या फिर कहीं ले करके जाते हैं ट्रांसपोर्ट, उस पर जहाँ यूज़ है उसका उसको भेज देते हैं। तो इमीजिएटली रोज रोड यहाँ पर क्लीन हो जाता है, ब्लॉकेज वगैरह का कोई टेंशन ही नहीं। क्योंकि कल जब हम रुके थे तो किसी ने बोला था कि यहाँ पर कुछ ले हाईवे पर कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, तो उसके कारण रोड बंद है। तो हमने जो कल अंकल को मिले थे अब्बास जी को, उनको फ़ोन किया हमने, तो उन्होंने बताया कि थोड़ा सा इशू था लेकिन वो निकल गए, मतलब वो अगर वो रात को निकल सकते हैं तो इतना इशू नहीं, क्योंकि आगे 9 बजे वो निकले, आठ बजे निकले थे वो, तो अगर वो रात को अंधेरे में निकल सकते हैं तो दिन के उजाले में तो तभी काफ़ी ज़्यादा वर्कर आकर के अगर थोड़ा बहुत भी रहेगा, क्योंकि मैंने उनको फ़ोन किया तो बोले कोई टेंशन नहीं हो, वर्कर आकर के अभी तक जो भी थोड़ा बहुत रहेगा वो साफ़ कर चुके रहेंगे, तो आप आ सकते हो। अभी तक तो हमको कुछ नहीं, ऑलमोस्ट 30-40 किलोमीटर के ऊपर चला चुके हैं। ओ नाइट डबल्स टेरिफिक ट्रबल्स, इसलिए रात को अंधेरे में गाड़ी नहीं चलाना। वी आर एट मूलबेक, मूलबेक पहुंच गए हैं हम लोग। मूलबेक का हॉट स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमको आगे भी बहुत से हॉट स्प्रिंग मिलने वाले हैं, सो मूलबेक नहीं रुक रहे हैं उसके लिए। हाँ ये रहा बुद्धा जी का मूर्ति, मूलबेक में जो बोलता था मैं, ये बुद्धा की मूर्ति इंग्रेव की हुई है इसके ऊपर, दिस इज द फ्यूचर बुद्धा, आई एम नॉट द फर्स्ट बुद्धा टू कम अप ऑन दिस अर्थ नॉर शैल आई बी द लास्ट। दिस स्टैच्यू ऑफ मैत्रेय वॉज कार्व्ड प्रोबेबली इन 1st century BC ड्यूरिंग कुशन पीरियड। अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट बिलीव द 5th बुद्धा विल बी मैत्रेय इन सीरीज ऑफ 1000 बुद्धा हु विल विजिट दिस world, certain inscription perhaps in the Kheroski script on the back of the rock are reported to have been buried. This is a landmark in the history of Ladakh and we must strive hard to preserve it. Geela hai, oh ho ho ho. Oh my God.
लुक एट इट, क्या खूबसूरत इन कार्विंग किया हुआ है। ना क्या कारु किया होगा ना, सोच बड़े पत्थर है, पत्थर नहीं पहाड़ माउंटेन के ऊपर ही कारु किया है पूरा। गलती हो गई तो खराब, गलती कैसे होने का चांसेस ही नहीं है, इतना ब्यूटीफुली कार्व किया है पूरा, उनके एक्सप्रेशंस भी ऊपर चेहरे पे दिखते हैं प्रॉपर। मैत्रेया बुद्धा द ग्रेट लव लविंग काइंडनेस of all the Buddhas. So that I could bear giving up is so that I can surrender to you. Take me in your arms and hold me. With your love find my rest and I can see you. जल्दी निकलो, आराम से चलो और सेफली पहुंचो। स्पेशली ये रेंज में जल्दी निकलने का एक सबसे सिंपल इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आगे की तरफ जब नुबला वैली या कहीं आगे जब जाएंगे आप, हम लोग भी जाएंगे जब, तो जितना जल्दी आप निकलोगे उतना कम आपको वाटर क्रॉसिंग मिलेगा। बिकॉज सूरज जैसे जैसे निकलता है, जैसे जैसे तेज होते जाता है, जैसे जैसे धूप बढ़ती जाती है, तो ऊपर के माउंटेन के ग्लेशियर्स वगैरह जो भी रहते हैं वो पिघलते हैं, तो जितना पिघलता है वो पानी का फ्लो और बढ़ते जाता है, तो आप जितना लेट निकलोगे उतना आपको पानी ज़्यादा मिलेगा। ऐसे बहुत से पैचेस मिलेंगे, स्पेशली जब हम नुब्रा वैली जाएंगे, नुब्रा से पेंगोंग जाएंगे, तो वहाँ पे एक या दो पैच ऐसे हैं जहाँ पे आप जल्दी निकल गए तो ठीक है, लेकिन शाम के टाइम वापस नहीं आ सकते, बिकॉज वो कॉन्स्टेंट वाटर फ्लो इतना बढ़ जाता है कि वो निकलने का कोई रास्ता जरिया ही नहीं है। वाह बस आंखें चकाचौंध रहती है इनको देख करके। ओ हो हो, बस मन करता है देखते ही जाओ देखते ही जाओ। भाई साहब JNK04 भाई गाड़ी तो धो ले, धो नहीं से एटली पोछ तो लिया कर। हरीश काफी पीछे रह गया, अभी दिख नहीं रहा फिलहाल में, लगता है लंबा सुसु ब्रेक लिया उसने। यहाँ पे कहीं पे खड़े हो करके आई गेस सीताराम वहाँ हुआ है, उसको वाइफ को उल्टियाँ हो रही हैं। ओ हो हो, माउंटेन द सिकनेस, सिकनेस ऑफ माउंटेन, कीप सेफ्टी इन माइंड फादर देन वॉचिंग हर। डॉग को लेकर के आए, फातुला टॉप 3 या 4 किलोमीटर है। कल जो हुआ था यहाँ पे आई गेस क्लाउड बर्स्ट और समथिंग, बोल रहे हैं कि आगे काफी स्लशी रास्ता है 100-200 मीटर का, अभी भी खुला नहीं है। यू आर एट नामी काला, दिस इज नामी काला, एल्टीट्यूड 12,198 फीट। यू आर एट नामी काला, नामी का ला। अच्छा ऐसा क्रॉस कर दिया है, वो रास्ता काफी पत्थर वगैरह वगैरह गिरा हुआ है, काफी बड़ा बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है, लेकिन ऐसा बहुत प्रॉब्लमेटिक नहीं है। असली स्लश वाला रास्ता तो अभी आ रहा है। हाँ
वो कार लगता है फंस गई, वो ट्रक वाला अटका। ओ भाई साहब, फ्रॉम वेयर? दैट साइड, दैट साइड। खींचेगा उधर से। चल हरीश, काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ। अच्छा अच्छा चीज ये है कि सामान नहीं है हमारे पास, वो कार को निकालने में दिक्कत देगा। किधर से? चल धन्नो, चल धन्नो, चल धन्नो। ओहो, हरीश भाई, ओ भाई ये क्या था? अभी रुक जा, उसको निकालना पड़ेगा अपने। वो कार इधर साइड में ही तो है, इधर आएगा, इधर इधर। अब नहीं है, आगे भी है। ओ भैया आगे भी है, अभी एक क्रॉस हुआ है, बोल रहे आगे भी है। और बोल रहे ट्रक वाले बोल रहे तो छोटा है, आगे और भी बहुत बड़ा है। अच्छा लैंडस्लाइड हुआ है कल का आज। धन्नो संभाल लिया। अरे यार चाबी निकालना भूल गया, ये कॉमन प्रॉब्लम है हमारी। ग्लव्स वगैरह पहन लेंगे तब याद आएगा कि साला चाबी पॉकेट में रखा हुआ है। ग्लव्स के साथ तो निकाल नहीं सकते, फिर खोलो फिर निकालो। चलते हैं आगे।
थैंक यू। अच्छा हुआ ना कल कारगिल में रुक गए। मैं तो रात को क्या करते थे इधर, साला दो घंटे में रास्ता, साला शूज देख कैसा भगाया मैंने। मैं बोला चाहे जो हो जाए गाड़ी चक्का रुकेगा नहीं, चक्का चलते रहे। याद आई फोर व्हील की ना। मजा आ गया साला। इसके ऊपर से नहीं, ये जो मिट्टी है ना वो टायर जीरो कर देती है। फोर व्हीलर देने दे तो दस व्हीलर देने दे, टायर एक बार ग्रिप छोड़ दिया ना तो उधर ही घूमती रहेगी। ये टायर साफ जगह रखो ना। एक टायर तुम कीचड़ में रखो, एक साफ जगह, यही मेरा हर जगह टारगेट, एक साफ जगह रखो, वो ढकेलेगा ना कम से कम। रोड सेंस इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ कर्टेसी एंड द पेरेंट ऑफ सेफ्टी। अभी कैसी है मनाली वाले वही दिखेगा पानी के वह कीचड़। तो काम कर बस स्टैंड के आगे, फायदा दो दिन तक ले। चलो चलो, गर्माहट आ गई पूरी। सोच रहा हूँ देखते वो लोग एक्सेप्ट करते कि नहीं ऐसे थैंक यू। हम उनको कुछ बिस्किट की पूड़े हैं वो देना चाहते हैं, देखते वो एक्सेप्ट करते कि नहीं। जूस भी दे देना है, जूस गिरेगा, बैग गिरेगा, बैग गिरेगा। बस 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 पूरा दे दे, पूरा दे दे, ये एक्सेप्ट कर लो। थैंक यू आप लोगों के बदल हम लोग चल पा रहे हैं। पानी वगैरह पी लो थोड़ा सा। थैंक यू। बाय बाय। झूले झूले जो जिला एकदम क्लियर है, झूले बोलते हैं ना, झूले झूले झूले। नहीं यार उनके बदौलत ही हम लोग चल पा रहे हैं। एटलीस्ट एक छोटा सा टोकन दिया, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं, और उन्होंने एक्सेप्ट भी किया प्यार से। चले आगे। जबायुल, जबायुल द इनविजिबल, द इनविजिबल विलेज, जबायुल द इनविजिबल विलेज। आज तक कोई देखा नहीं, एक किलोमीटर अहेड बोल तो रहा है। पता इनविजिबल मतलब हमको दिखेगा ही नहीं, थैंक यू इनविजिबल बोलते हैं पता नहीं। इनविजिबल विलेज कहाँ है? आगे एक किलोमीटर, एक किलोमीटर आगे। आई गेस वो रहा ऊपर की तरफ, एकदम सुनसान एरिया है, शायद से वो ऊपर की तरफ घर जैसा दिख रहा है, लेकिन कोई रहता नहीं होगा वहाँ पर। ये बोर्ड ये उसका वे टू हेरिटेज म्यूजियम। जबायुल द इनविजिबल विलेज, पॉज ओ ट्रेवलर, दिस इज वेयर आई बिगिन, द पाथ दैट यू ट्रोड विल ब्रिंग यू टू an abode, a museum of stories unheard of my past, my people, their lifestyle, their culture. I am invisible, I am unconquered, I am Zabayul, the village of Henasku. Come take a hike through this adventurous trail up to mountain to seek me. Project Zabayul offer you unique experience of Henasku. It is a community driven initiative that intended to provide alternate livelihood for local while promoting responsible tourism. My warm-hearted people are eager to extend their hospitality by hosting you at their traditional Ladakhi home. चलना है? हम लोग जा रहे हैं
जबायुल विलेज, द इनविजिबल विलेज, सीताराम एक्सप्रेस लेके पहले चला गया आगे। नाउ वी आर गोइंग ट्विन सीटेड, आई एम सिटिंग बिहाइंड। डक 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 बारिश हुई थी यहाँ पे लगता है। चॉकलेट का वे साले भाई साहब, कहाँ से आ रहे हम लोग, कहाँ गई गाड़ी, वो रही दिख भी दिखेगा भी नहीं। ये रास्ते पे ऐसे पत्थर गिराए हुए हैं। हाइक करना पड़ेगा। आ गए हम लोग जबायुल, यही है विलेज। द इनविजिबल विलेज, ओहो। ये विलेज है क्या है पता नहीं। ओह ये क्या है, कहाँ से वो अगर वो उठ गई ना पैनिक अटैक में जाएगी वो। दरवाजा बंद है, दरवाजा बंद नहीं है। ओके पॉज ओ ट्रैवलर, व्हाट यू सीक इज विद इन यू रीच, योर एफर्ट वर्थ द एक्सपीरियंस, एंजॉय व्हाट यू सी, ही इज वेलकम यू अगेन टू माय हम्बल कम्युनिटी, स्टेप डाउन ओ ट्रैवलर, कम बी अ पार्ट ऑफ मी। सो फाइनली भाई देखो, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, 3-4 वीडियो देखे, लोगों ने इसका नाम दिखाया जुबायुल द इनविजिबल विलेज, लेकिन कोई आया नहीं ऊपर तक। मैं आया हूँ, हम आए हैं इसकी बदौलत। सीता इसने बोला मैं लेके जाता हूँ एक्सपल्स, और एक्सपल्स आई ऊपर, फिर मैं बोला चलो अब धनों को लेके चलेंगे। ओहो प्रॉपर विलेज गांव का। माइंड योर हेड, वॉच योर स्टेपिंग, और एल्स यू विल फाइंड योर सेल्फ स्लिपिंग। काफी छोटे जगह है प्रोजेक्ट जबायुल। ये क्या है रापसल? क्या होता है ये पहले का वाला था, चिड़की वाला है ना रापसल। हाँ। अच्छा विंटर रूम, ठंडी के लिए रूम है ये। अच्छा ये क्या है इस पे? बोल बोल। सीता साइड ये कुछ राख जैसा लगाया है। ये तो धुआं लग रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा है। ये पहले तो लकड़ी जलता रहता ना, चूल्हा इधर जलता था, इधर आग भी जलता था, इधर चूल्हा जलता था, बस धुआं धुआं हो गया, बस पूरा राख हो गया। ये कितने साल पुराना है? 500 साल पुराना। 500 साल पुराना क्या है ये घर? हाँ। ये गांव का नाम क्या है? हेनासकुट। जबायुल किधर है? वही बैल बोलता ना, बैल हेनासकुट।
जबाइल जबाइल जो लिखा है ना नीचे इनविजिबल विलेज पीछे बोथ विलेज अच्छा दिस वन इज ओल्ड एंड दैट वाज दैट वन इज द न्यू ये 500 साल पुराना है 500 साल अरे बाप रे सीक्रेट मॉन पंडोरास बॉक्स हाँ सीक्रेट मॉनेस्ट्री यही जो हम लोग ऊपर आए वही है और ये हनास्को विलेज के बगल में है काफी छोटा जगह है ठंडी के लिए स्पेशली बनाया हुआ है आई गेस उधर स्टोर रूम है कुछ तो चल चल हरीश संभाल के बहुत पतला बहुत छोटा रूम है ओहो अरे बाप रे हरीश रुक ये पकड़ हेलमेट मेरा उधर देखो ये छोटा सा कांच खिड़की खिड़की विंडो एक बात बोल ये क्या आ रहा है बीच में वो डस्ट है डस्ट आता है ना ये कुछ तो सामान रखने का इधर लाइक स्टोरेज है क्या रखता था आटा आटा रखने की जगह सातू बोले तो सत्तू 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 या चावल ये पूरा खाना स्टोर करने के लिए जगह रखा है और वो किस चीज के लिए घर है वो वाला कुछ रहता होगा आप किधर रहते हो हम तो नीचे रहते हैं ना नीचे ओके ये घर आप ही का है ये आपका घर है नहीं नहीं ये विलेज का है अच्छा ये देखभाल करते हैं बहुत सारे रूम है तो चाबी रखता है और आई एम 500 इयर्स इन द टाइम मोर देन 5 पीपल इन द रूम इज अ क्राइम वाओ ऊपर किधर अभी अरे इधर सीढ़ी है कहाँ गए अंकल जी अबे कहाँ हो तुम लोग बहुत छोटी जगह है झुक झुक के चलना पड़ रहा है कुछ तो ये सीढ़ी है ऊपर जाने का हवेली है हाँ। हवेली है कोठी बोल सकते हैं पंजाबी वाली अभी और ऊपर गए क्या माइंड योर हेड अबे आप तो चक्कर अभी बहुत ऊपर है अभी थैंक्स एक्सपल्स कुछ नया देखने को मिला क्या सोच गर्मी में पानी है ये क्या है ये मेरखम मेरखम बोले तो गर्मी के दिन अच्छा गर्मी के दिन ये सब यूटेंसिल्स है खाना बनाने या स्टोरेज के लिए सब यूज करते होंगे यार ये हेरिटेज है इसको और संभाल के रखना चाहिए वही तो रखा है इंडियन आर्मी के ये क्या है अंकल ये बड़ा पत्थर का ना सर हाँ कुछ बनाता है पहले क्या बनाता था खाने पीने का खाने पीने का बनाता है ना पत्थर का इधर भी एक रूम है लेकिन बारले डिश बनाते थे कुछ तो घोड़े पे बैठने का यहाँ आके रुक नहीं सकते क्या हाँ। एक दिन रुके इधर तब टेंट लगाने लायक होगा राजेश ना हाँ लेकिन अलाउड नहीं होगा रुके तो पानी नहीं है पानी दूर पानी नहीं है खाना नहीं है पानी तो दूर है आप अरे बाप रे ये अभी हम लोग घर के ऊपर के हिस्से पे आए हैं ये अरे बाप रे उधर राजा का घर है टूट गया है कौन से राजा थे राजा का नाम पता अंकल राजा का नाम इसका हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा वो नीचे लिखा था सर वाह वंडरफुल ये ऐसा जार क्यों रखते हैं वो कट के गिरेगा हाँ 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 ओ हो वो ऊपर वो पत्थर टूटा हुआ नहीं है वो चढ़े कैसे होंगे लोग जाते हैं देख हाँ वो है ऊपर जाने का रास्ता है बनाया कैसे होगा लोगों ने यार इतना पागल हो गए नहीं ऐसा खराब है
ये मंदिर है। अच्छा चाबी आपके पास रहता है? ओहो मंदिर है भाई, मत जाना। जैसे पहले बताया, बहुत से लोग ने वीडियो देखाया है लेकिन कोई ऊपर तक नहीं आया है। आज हम फाइनली ऊपर आ गए हैं और थैंक्स टू अंकल, अंकल ने हमको पूरा टूर दिया है, पूरा बताया है कैसा क्या है। आपका नाम बोल दीजिए। थरण पलवर। थरण पलवर। थरण पलवर। थरण पलवर नाम है उनका। इनके पास चाबी वगैरह रहती है, यही देख रेख करते है इसकी। और अगर कोई आयोगे, आप लोग आओगे तो फिर ये चाबी खोल करके पूरा टूर दिखा सकते। तो पूरा कल्चरल है, जो लद्दाखी कल्चर है उसका स्टोरेज वगैरह किया हुआ है, किस तरह से ठंडी के टाइम पे लोग अपने घरों में रहते, स्पेशली ऐसे घर बना करके प्रिकॉशन के हिसाब से खाना स्टोरेज सब कुछ। 100 रुपये एंट्री फी लगता है, कोई बात नहीं, 100 रुपये देने में कोई हर्ज नहीं है, मजा आएगा। लेकिन समझ में आया लोगों को, लोग यहाँ पे किस तरह से तकलीफों में, इतने हार्ड स्ट्रगल में अपनी लाइफ गुजारते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट था वो राजा का घर किस तरह से बनाया होगा उन्होंने, और किस तरह से जाते होंगे मेंटेन करने के लिए। सलूट है लोगों को। हम चलते नीचे, ले जाना है हमको, ऑलरेडी अब लेट हो रहा है। ऐसा लगता है किसी ने पूरा मिट्टी को गीला कर करके फेंक दिया था, थोड़ा थोड़ा घिसक घिसक के ऐसा शेप मिल गया है।